बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। एटीएस के शिकंजे में मुर्तजा, जी हां, गोरखपुर धाम में हमले का मामला जिसमें आरोपी मुर्तजा का एक साथी फिलहाल हिरासत में है। बड़ी खबर, एटीएस की टीम ने सहारनपुर से हिरासत में लिया और कुछ महीने पहले देवबंद आया था मुर्तजा। तो गोरखपुर धाम का आरोपी फिलहाल आरोपी मुर्तजा का एक साथी हिरासत में, एटीएस की टीम ने सहारनपुर से हिरासत में लिया, कुछ महीने पहले देवबंद आया था मुर्तजा। तो गोरखपुर धाम में हमले का मामला जिसमें लगातार जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और कुछ महीने पहले देवबंद आया था मुर्तजा, तो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और जांच लगातार जारी है। और इस बीच जो खबर आई उसका एक साथी जो है वो भी हिरासत में है। तो एटीएस की टीम ने सहारनपुर फिलहाल हिरासत में लिया है। तो लगातार एटीएस पूरे मामलों पर पूरी तरीके से जांच कर रही है। बड़ी खबर, आरोपी मुर्तजा का एक साथी हिरासत में लिया गया है और अन्य साथियों की भी लगातार तलाशी जारी है। तो लैपटॉप से कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं, उसके आधार पर फिलहाल जांच का जो दायरा है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तमाम बिंदुओं पर फिलहाल जांच जारी है। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वही आरोपी मुर्तजा का एक साथी जिसको हिरासत में लिया गया है और एटीएस की टीम ने लिया हिरासत में और गोरखपुर धाम में हमले का मामला। खबर संबल से जहां पर एटीएस टीम की कार्रवाई पर डीआईजी का बड़ा बयान, मुर्तजा के तार संबल से जुड़े होने की खबर आई है। डीआईजी ने साफ तौर पर कहा तो एटीएस टीम ने संबल में की छापेमारी और एटीएस टीम ने संबल में डेरा डाल रखा है, डीआईजी ने साफ तौर पर कहा। तो गोपनीय तरीके से चल रही है ये कार्रवाई, तो गोपनीय तरीके से फिलहाल ये कार्रवाई चल रही है। एटीएस टीम ने संबल में डेरा डाल रखा, तमाम सारे साक्ष जो है वो जुटाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही, मुर्तजा का एक साथी जिसको हिरासत में लिया गया है और इसी के साथ आपको बता दें एटीएस टीम ने संबल में डेरा डाल रखा और गोपनीय तरीके से और तमाम बिंदुओं पर फिलहाल ये जांच जारी है। तो गोपनीय तरीके से चल रही है जांच। तो गोरक्षनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले का मामला, मुर्तजा बासी को एटीएस मुख्यालय लखनऊ लाया गया। एटीएस मुख्यालय में आरोपी मुर्तजा से फिलहाल पूछताछ जारी है और रिमांड पर है सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोपी मुर्तजा। तो आरोपी मुर्तजा से फिलहाल हो रही है पूछताछ और मुर्तजा को फिलहाल लखनऊ लाया गया है। यह बड़ी खबर है जहां पर एटीएस मुख्यालय में पूछताछ जारी है। तो मुर्तजा बोलेगा और राज खोलेगा, आतंकी साजिश की कोशिश, लेकिन उस आतंकी साजिश को फिलहाल नाकाम कर दिया और अब उसके बाद से एटीएस के शिकंजे में है मुर्तजा। कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ जारी है, अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, परिजनों से भी पूछताछ लगातार जारी है और फिलहाल एटीएस मुख्यालय लाया गया है जहां पर पूछताछ जारी है। तो आरोपी मुर्तजा से हो रही है फिलहाल पूछताछ। गोरखपुर मठ हमले मामले में मुर्तजा को यूपीएटीएस लखनऊ लेकर के आई है, पूछताछ जारी। मेरे साथ खुद एडीजी लानहड़ प्रशांत कुमार साहब मौजूद है। सर, रिमांड पे पूछताछ जारी है, क्या कहेंगे, अब तक क्या निकल के आया? अभी तो मुख्य अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ था, जिसने कि वहाँ की घटना कारित की थी, उसको एटीएस ने रिमांड पे लिया है और यहाँ लखनऊ लाके उससे पूछताछ की जा रही है और विवेचना चूँकि संवेदनशील है और काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से मुकदमे इसकी विवेचना बढ़ाई जा रही है और सभी पहलुओं पे हम जांच कर रहे हैं और ये घटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगह पे कारित की गई थी। सर, फंडिंग की बात भी सामने आ रही है, इसके अलावा ये भी आ रहा है कि मुर्तजा के अकाउंट से भी जो है पैसा ट्रांसफ़र किया गया नेपाल में किसी बैठे शख्स को, तो क्या उसमें सर सच्चाई है? इसके अलावा सर, लैपटॉप और जो उसका मोबाइल है उससे क्या असर निकल के आया? ये जो मनी ट्रेल होता है इसको इस्टेब्लिश करने में कुछ समय लगता है और हम लोग जब विवेचना करेंगे तो सभी पहलुओं को देखेंगे और उस समय जब अगर मनी ट्रेल की बात आती है तो हम मीडिया के साथ अवश्य शेयर करेंगे। बिल्कुल, लगातार पूछताछ जो है जारी है क्योंकि रिमांड पे है, तो रिमांड पे एटीएस जो है लखनऊ में पूछताछ कर रही है। कैमरा पर्सन पीयूष सातानु, भारत समाचार, लखनऊ। खबर मेरठ से।